नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे जालना की। यहां चोरों ने फोड़ा एटीएम। दिखाएंगे कैमूर में कैसे पीरामल फाउंडेशन के तत्वाधान में सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और चर्चा करेंगे सीतामढ़ी की। यहां पुलिस की मार से 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। 26 मई रविवार की सुबह पता चला कि जालना शहर के औद्योगिक वसाहत क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौक पर SBI बैंक के बगल में स्थित एटीएम को चोरों ने तोड़ दिया है। गैस कटर की मदद से एटीएम तोड़कर कैश लूटने की घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 10 दिन पहले जालना शहर के महावीर चौक स्थित SBI के एटीएम को तोड़कर चोरों ने 24,54,000 नकद लूट लिए थे। त्रिमूर्ति चौक स्थित इसी एटीएम को 3 साल पहले चोरों ने तोड़ दिया था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज फिर वही घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। चंदन जीरा पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित त्रिमूर्ति चौक पर हुई घटना से चंदन जीरा पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जालना से सीनियर संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के मार्ग निर्देशन पर रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थानाध्यक्ष विकास कुमार के द्वारा करमचट थाना कांड संख्या 26-22 में 3 लीटर तथा 37-24 में 16 लीटर कुल 19 लीटर देसी महुआ शराब को आज विनिष्टीकरण किया गया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व 1 जून को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, शत प्रतिशत मतदान हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन कृत संकल्पित है। इसी क्रम में सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की अवैध सामग्री का आयात निर्यात ना हो सके। SI अनु दुबे मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के साथ बारीकी से वाहनों की जांच कर रहे हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ प्रखंड के कुंडासन पंचायत के नौआझोटी गांव में BCM राकेश जी के निर्देशन एवं पिरामल फाउंडेशन के प्रोग्राम लीडर अमलेश के सहयोग से सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 से 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया और उसमें से 10 लाभार्थियों को श्रृंगार किट देकर सम्मानित किया गया। उन्हें परिवार नियोजन के फायदे और परिवार नियोजन के संसाधनों का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। सास बहू बेटी सम्मेलन का उद्देश्य सास बहू और बेटी के मध्य समन्वय और संवाद को उनके पारस्परिक अनुभवों के आधार पर बेहतर बनाना है, जिससे वह प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति अपनी अवधारणाओं, व्यवहार और विश्वास में बदलाव ला सके। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां एक बार फिर बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस की पिटाई से 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है। घटना सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के ददरी गांव की है, जहां छापेमारी करने गई नानपुर थाना की पुलिस द्वारा वृद्ध की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि उक्त मामले को लेकर SDPO पुपरी अतुल दत्ता ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि नानपुर थाना प्रभारी संजय सिंह से मोबाइल पर बात हुई है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस के द्वारा मृत व्यक्ति को छुआ तक नहीं गया था। वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जांचों उपरांत दोषी पर कार्यवाही की जाएगी। अभी 1 घंटे पहले हमको कॉल आया था यहाँ से कि यहाँ पे एक हमारे बीन रहते हैं, उनका नाम है, उनके भाई है जगन्नाथ मुखिया, जो यहाँ के बीन है, एक मलाह है, 55 के आसपास उनका उम्र है। अभी कुछ देर पहले पता चला है यहाँ पे थाना की गाड़ी आई हुई थी और लाइन से कुछ लोगों इनको टॉर्चर लगातार किया जा रहा था। जैसे पता चला है आगे कि 1 महीने से लगातार, 1.5 महीने से जब से यहाँ प्रभारी आए हैं, तब से लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि महीने का इनके द्वारा जो कहा जा रहा है इनके परिवार के लोगों के द्वारा कि पैसा पहुँचाओ कि नहीं तो, मतलब बार बार आके खुद आ रहे थे वो सबसे। इसमें किसी एक चौकीदार का नाम भी आ रहा है जो इसमें मीडिएटिंग का काम करता था, ठीक है। थाना प्रभारी आ रहे थे? हाँ, थाना प्रभारी आज भी आए हुए थे जी। थाना प्रभारी खुद यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और 2-3 दिन तो थ्रेटनिंग मिला है इसको, तो ये गरीब आदमी है वहाँ पे किराना, हम अभी आके देखे हैं, खुद हम स्पॉट पे आए हैं तो देखे हैं, किराने का एक छोटा सा दुकान किया हुआ है, ये अपना गुजर बसर कर रहा है। और परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनकी पत्नी थी, उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि उनको गाली गलौज भी पत्नी को भी किया जाता था, इवन बच्चा तक को मारा जाता था। उसके बच्चा को, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि एक बच्चा है, उस बच्चा को भी मारा जा रहा था। उसको जब आते थे तो उसको भी लात मुक्का से मारते थे। कहाँ है लड़का? यही है। हम नानपुर प्रखंड के भाजपा के अध्यक्ष अभय कुमार मुन्ना, हमारे ग्रामीण है जी।
जब हम यहाँ आए हैं आधा घंटा पहले, तो हमें पता चला है कि यहाँ पर थाना के गाड़ी बड़ा बाबू खुद आए थे और इसको मारते मारते इनका दम वहीं पर टूट गया है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, जब घर वाले लोग से इनके लड़का से इनके भाई जी से पूछे हैं कि वो क्या हुआ है, ये लोग बताए हैं कि इससे पहले 10 दिन पहले यहाँ पे दो घर से 5,000-6,000 रुपये थाना प्रभारी वसूल के ले गया था और फिर बोला था कि हम 10 दिन बाद आएंगे, तुम लोग पैसा देना। वही पैसा मांगने के क्रम में उसको मारते मारते वहीं पे मर गया है, उसके बच्चा को भी मारा है और उसको मारा है, वहीं पे मर गया है, उसकी मौत हो गई। बाबू तुम्हारा? राहुल कुमार। क्या घटना घटी है बताओ तो? यहाँ पर आ रहा था, बार बार मार के जा रहा था, पैसा लेके जा रहा था। कौन? वो 2-3 थाना वाला था जी, महीने के बीच में आ रहा था जी। आज क्या हुआ है? आज आया, डायरेक्ट आया, घर यहाँ पर रुका है और मारो पे चले गए और मुझे भी देखो मारा हो रहा है। अच्छा, या, या, कलर उलर सब खींचा उचाया ऐसे करके, इसको मारा है और इसके फादर को मारा फादर को, हाँ फादर मारा है और तुरंत डंडा से मौत हो गया। डंडा से लगातार मारा है, जो कहने में आ रहा है कि 15-20 डंडा, तो एक डंडा उसके शायद यहाँ पे लग गया है, जो हाथ भी शायद टूटा हुआ है, ठीक है, हाथ भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है और उतरा है और डंडा से लगातार उसी के क्रम में उसका मौत हो गया है। तो उस समय में पुलिस के कौन लोग थे वहाँ पे? पुलिस के 3-4 पदाधिकारी थे उसमें। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।